पूर्व संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल की कई पंचायतों में चुनावी दौरा किया। वहीं इस मौके पर नैना देवी से बीजेपी उम्मीदवार विधायक रणधीर शर्मा समेत पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल इस दौरान आपको बताएं कि इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी मर्तबा जीत की हैट्रिक लगाने का दावा भी किया। देश में एक ही नारा, एक ही गूंज, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीत रहे हैं, हैट्रिक लगाएंगे और देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पंजाब में भी जो शानदार रैली पटियाला में हुई, उससे पता चलता है पंजाब को भी लगता है कि आम आदमी पार्टी ने आकर ठगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उससे बड़ा भ्रष्टाचार किया और अब दोनों की सांठगांठ हो गई, एकजुट हो गए हैं। इसलिए जनता विकल्प देखती है और जनता विकल्प के रूप में ईमानदार मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी को देखती है। सर, रेल के लिए राय ज्यादा कह रहे हैं कि 1990 में बन गई थी रेल पुना वाली जो है, लेकिन श्रेय जो है अनुराग जी ले रहे हैं, इस पर क्या कहना है जी आपका? कांग्रेस एक से एक चढ़ के झूठ बोलती है और ऐसी बुरी हालत है उनकी, शायद उनको याद नहीं आम बिंदौरा का स्टेशन और दौलतपुर चौक का स्टेशन दोनों मैंने ही उद्घाटन कराया और 92 में भी प्रेम कुमार धूमल जी ने ही उद्घाटन करवाया। 92 के बाद भी नीतीश कुमार जी जब आए तब उन्होंने, केंद्रीय रेल मंत्री थे उस समय, आए धूमल जी यहाँ पर थे हमारे सांसद और उसके बाद मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वहाँ पर कराया, फिर सुरेश चंदेल जी हमारे सांसद बने। ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस ने तो 45 साल में कुछ किया नहीं, ना कांग्रेस ने एम्स दिया, ना IIIT दिया, ना NIT दिया, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, कुछ नहीं दिया जी। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी।